गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव रे नाथ नारायण वासुदेव रे नाथ नारायण वासुदेव रे नाथ नारायण वासुदेव रे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन होने लगा, सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, ऐसा कीर्तन ऐसा कीर्तन ऐसा कीर्तन, और नारद जी का तो क्या कहना, जिसका पहले दिन ही संकल्प पूरा हो जाए, अभी प्रथम ही श्लोक हो रहा था, नारद जी का तो संकल्प पूरा हो गया, आज नारद जी जैसा कौन प्रसन्न होगा। और ये कीर्तन कैसा हुआ, इस कीर्तन की बड़ी महिमा भागवत जी में लिखी है, जो ये कीर्तन हुआ अब कैसे उसको भाव को प्रकट किया जाए। बोले ऐसा कीर्तन के उस कीर्तन के प्रभाव से भक्त लोग प्रकट होने लग गए, जो पूर्व युग के भक्त लोग थे। कौन कौन प्रकट हो गया, प्रह्लाद स्तालधारी तरल गति तया च उद्धव कांसधारी वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सूकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। आह कौन कौन प्रकट हो गए, प्रह्लाद जी प्रकट हो गए, प्रहलाद स्ताल धारी, प्रहलाद जी ताल देने लग गए, प्रहलाद स्ताल धारी च उद्धव कांस धारी, उद्धव जी कांसा लेके झांझ लेके कीर्तन में कूद पड़े, उद्धव कांस धारी।
स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत, ये सब महापुरुष जा चुके थे, शरीर छोड़ चुके थे, तब प्रकट हो गए अर्जुन, प्रकट हो गए अर्जुन, राग देने लगे, इंद्र से नहीं रहा गया, महापुरुष प्रकट हो रहे, देवता पीछे न रह जाएं, इंद्र गले में मृदंग टांग करके कीर्तन में कूद पड़े मृदंग बजाने, इंद्रो वादन मृदंगम जय जय सूकरा कीर्तने ते कुमार। अब सनकादिक भगवान व्यास गद्दी पर बैठे, मन तो हो रहा हम भी कूद के थोड़ी देर नाच लें, पर मर्यादा तो गादी पे बैठे बैठे जय हो एक एक महापुरुष अवतरित हो रहे, तो जय हो ऐसा शब्द कर रहे, जय जय सूकरा कीर्तने ते कुमारा। और तब तो यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव, सब महापुरुष आए, अंत में तो सुखदेव जी भी आ गए, और सुखदेव जी सुंदर सुंदर भंगिमा भागवत जी में लिखा यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया, सरस रचनया माने बड़े सुंदर सुंदर हाथ पांव कमर हिला हिला के सुखदेव जी कीर्तन में नाचने लगे। जब ऐसे महापुरुष कीर्तन में नाच रहे गा रहे, वो कैसा कीर्तन होगा और इस कीर्तन की परिणति क्या हुई, भागवत जी में लिखा है निज लोक परित्यज्य भगवान भक्त बत्सल, अंत में तो अपने लोक को त्याग करके भगवान गोलोक बिहारी राधा माधव भी कीर्तन में प्रवेश, और उन वैष्णव महापुरुषों के मध्य में स्वयं श्री कृष्ण नृत्य करने लग गए। और भक्ति तो प्रिया है, तब तो नारद जी आए ठाकुर जी को प्रणाम किए, भक्ति महारानी और ठाकुर जी की गरबैया पड़वा दिए। अब जुगल सरकार प्रिया प्रियतम को घेर के ये महापुरुष उद्धव जी अर्जुन जी प्रहलाद जी सुखदेव जी सनकादिक जी नारद जी अंगिरा जी, ये महापुरुष घेर कर नाच रहे हैं, अद्भुत छटा अद्भुत छटा। ये रस कब तक बरसता रहा कोई जाने नहीं, बहुत देर हो गई, किसी प्रकार सब अपनी सुध में लौटे, तब उस समय भगवान बड़े प्रसन्न, सबको प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, तब ठाकुर जी प्रसन्न भए, सबसे कहा बर मांगो, नारद जी से कहा बर मांगो, सब भक्तों से कहा, वो तो सब पूर्ण काम थे, पर कहा बर मांगो आज बहुत प्रसन्न है हम। तब नारद जी ने सब भक्तों ने कहा और कोई वर नहीं चाहिए प्रभु, तो जो चाहिए सो मांगो, बोले यही वर चाहिए, जहां जहां भागवत जी की कथा होए वहां वहां आप अपने परिकर के साथ विराजमान रहिए। ठाकुर जी ने कहा रहेंगे अपने पूरे परिकर के साथ में, हम भागवत जी में अवश्य विराजमान रहेंगे। तब भगवान अंतर्धान हुए, अभी कथा तो होनी थी, अभी शुरू हुई थी, सब लोग बैठे, तब भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि महाराज मेरा आसन कहाँ है, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन के तट पर थे, यमुना तट पर प्रकट हो गए, यहाँ तो उनका आसन तो रखा नहीं गया, तो मेरा आसन कहाँ है, अब मैं कहाँ विराजमान हूँ। नारद जी ने कहा गुरु जी से पूछो। तब सनकादिक से कहा महाराज भक्ति महारानी पूछ रही है, मैं अपने पुत्रों के साथ बैठ के, काम तो हो गया पर कथा तो पूरी सुननी है, कहाँ बैठ के कथा सुनूं। तब सनकादिक ने कहा हे भक्ति देवी, तुम्हारी कृपा से तो जीव को गोविंद के दर्शन होते हैं, देखो तुम प्रकट हुई, तुम्हारी कृपा से गोलोक बिहारी प्रकट हो गए, सबको ठाकुर जी नेत्र गोचर हो गए, तुम तो गोविंद को देने वाली हो, प्रेमा भक्ति देने वाली हो, तुम किस आसन पर बैठो, तुम सोने के आसन पे नहीं, चांदी के आसन पे नहीं, कुशा के आसन पे नहीं, हे भक्ति महारानी, जो जो भागवत जी की कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं उन भक्तों के हृदय आसन पर तुम अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ विराजमान हो। तब भक्ति महारानी सामान्य आसन पे नहीं, जितने भागवत जी के श्रोता थे उन सबके हृदय आसन पर विराजमान हुई, जय जयकार हो गई, कहिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आनंद आगे कथा होने लगी। जब उस समय नारद जी ने फिर प्रश्न किया हे सनकादिक भगवान गुरुदेव, मैं तो धन्य हो गया, सुना था भागवत जी पूरा होने पे संकल्प पूरा करती हैं, यहां तो पहले दिन ही संकल्प पूरा हो गया, मनोरथ पूरा हो गया, पर मेरे मन में अब एक जिज्ञासा भी पैदा हो गई, क्या कि भागवत जी वैष्णवों का कल्याण करती हैं, भगवत प्राप्ति करा देती हैं, तो निश्चय हो गया,
पर एक प्रश्न मन में उत्पन्न हो गया है कि भागवत जी क्या पापियों पर भी कृपा करती हैं, जो भजन नहीं करते, जो वैष्णव नहीं है, जो साधक नहीं है, पाप कर्म में लिप्त है, ऐसा यदि कोई भागवत जी का आश्रय ले तो क्या भागवत जी उनका भी कल्याण करती हैं? सनकादिक ने कहा क्यों नहीं, अरे पुण्यात्माओं को तारा तो क्या तारा, पापियों को तारा तब तो महिमा जानी जाएगी, जरूर करती हैं। नारद जी ने कहा तो कोई ऐसा वृतांत तो सुनाओ। तब उस समय सनकादिक ने गोकर्ण उपाख्यान सुनाया, हे नारद जी, भारत के दक्षिण छोर पे तुंग भद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। उनके घर पे कोई संतान नहीं थी, इस कारण पंडित जी बहुत दुखी रहते थे, पर पंडितानी को कोई दुख नहीं था। पंडित जी तो बड़े धर्मात्मा थे, संध्या करने वाले थे, पर उनकी पत्नी, संसार के जितने दोष हैं वो सब उसके भीतर थे। तुंग भद्रा नदी के तट पे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, कथा भी सुनते जाइए, उसका अर्थ भी समझते जाइए। भारत के दक्षिण भाग में तुंग भद्रा नदी, अर्थ क्या है? तुंग कहते हैं शिखर को, भद्र माने होता है कल्याण, और उसके तट पे ब्राह्मण रहते आत्मदेव। तुंग भद्रा माने कल्याण का शिखर, उसके तट पे आत्मदेव रहते हैं। आत्मदेव कौन है? बंधुओं, हम आप सब ही आत्मदेव हैं। हम सबके भीतर जो आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए आत्मा भी देव है, देवता है ये। हम सब तुंग भद्रा के तट पे रहते हैं। कैसे? तुंग भद्रा माने कल्याण का शिखर। अर्थ क्या है? अर्थ ये है, भगवान ने हम सबको कल्याण के सारे साधन दिए। हम कहते हैं कृपा करो, भगवान ने हम सबके ऊपर चार बड़ी कृपा की हैं। पहली कृपा, प्रभु ने हमको मनुष्य बनाया। यदि पशु बना देते तो क्या होता? पशु भजन नहीं कर सकता। पशु केवल परतंत्र योनी है, स्वतंत्र योनी नहीं है, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो मनुष्य शरीर है ये पुराना भोगने के लिए परतंत्र है, पर नया करने के लिए स्वतंत्र है। यहां तक कि देवता भी भोग योनी है, भजन करने के लिए वे भी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए तो देवता मनुष्य बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुरों को दुर्लभ है, क्योंकि देवता पुण्य भोग सकते हैं पर भजन नहीं कर सकते। इसलिए तो जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो अमृत का कटोरा लेके आए, अमृत ले लो, कथा दे दो। तब सुखदेव जी ने लौटा दिया, हम आगे सुनेंगे। ये बहुत अद्भुत योनी है, ये योनी है अपने तरण के लिए। चाहे तो पाप कर्म करके शैतान बन जाएं, चाहे भजन करके भगवान के चरणों को पा लें। ये अवसर बार बार नहीं प्राप्त होता। प्रभु की पहली कृपा, हमको मनुष्य बनाया। प्रभु की दूसरी कृपा, हमको सनातन धर्म हिंदू बनाया, सनातन धर्म में जन्म दिया। ऐसा जहां बार बार भगवान अवतार लेते हैं, कभी वंशी लेके, कभी धनुष लेके, कभी नरसिंह बनके, कभी वामन बनके, कभी कच्छप बनके, कभी मच्छप बनके, कितने प्रकार से जीव का कल्याण करते हैं। तीसरी कृपा, हमको इस भारत भूमि में जन्म दिया। पैदा कर देते किसी विदेश में जहां केवल खाना और भोगने को ही जिंदगी माना जाता है तो क्या होता? अपने आत्म कल्याण के विषय में विद्वान कहते हैं केवल इस भारत भूमि में सोचा जाता है। बाहर के लोगों का तो कहना है जब तक जियो मजे से जियो, कर्जा करके घी पियो। वे कहते हैं कि बस इस शरीर तक है जो कुछ है, बस खाओ भोगो, जो कर लिया वो वही साथ जाना और कुछ नहीं। वे परलोक के विषय में नहीं सोचते। एक भारत देश है जहां के रहने वाले परलोक के विषय में सोचा करते, जहां परोपकार होता है, जहां पुनर्जन्म की भावना है। यदि कहीं पैदा कर दिया होता, सुनने को मिलती कथा, ये रामायण भागवत गीता जैसे ग्रंथ मिलते। विदेशों में क्या श्राद्ध होते हैं, नवरात्र होते हैं,
कुछ नहीं। कहां मिलता है आध्यात्मिक वातावरण? पहली कृपा मनुष्य बनाया, दूसरी कृपा हिंदू बनाया, तीसरी कृपा भारत भूमि में जन्म दिया और चौथी कृपा संत और ग्रंथ प्रदान किए हमको। तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, सुखदेव जी, सूत जी, सरीखे महापुरुष, गीता जी, भागवत जी, रामायण जी जैसे ग्रंथ दिए, जो ग्रंथ चीख चीख कर कह रहे हैं भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन रास्ता खाई में गिरा देगा, कौन रास्ता भगवान के चरणों में पहुंचा देगा, कौन रास्ता भगवान के चरणों में पहुंचाएगा, कौन रास्ता शैतान बनाएगा। हमारे ग्रंथ में हर विषय का निरूपण है। ऐसी पुस्तक, ऐसे ग्रंथ, ऐसे संत हमको प्रदान किए, मानो हमको तुंग भद्रा के तट पे जन्म दे दिया, कल्याण के शिखर के पास जन्म दे दिया। अब हमारी ओर से देर है, हम इन कल्याण के साधनों को अपनाते हैं कि नहीं अपनाते। हम सब आत्मदेव हैं, पर आत्मदेव की पत्नी धुंधली कौन है? हम सब की बुद्धि ही धुंधली है। अभी अंधेरे को सुन रहे थे, अंधेरा बहुत खतरनाक होता है, अंधेरा हो जाए तो दिखेगा नहीं, उससे भी खतरनाक होती है धुंध। सर्दियों में सुनते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से गाड़ी टकरा गई, अनेक लोग मर गए, कितने बजे का हादसा था? दिन के 10 बजे का। अरे दिख नहीं रहा था, रोशनी नहीं थी, दिन के 10 बज रहे थे, रोशनी भी थी पर हो क्या रहा था, धुंध हो रही थी, कोहरा हो रहा था, कोहरे ने दृष्टि को बाधित कर दिया, आमने सामने वाले एक दूसरे को देख नहीं पाए। ये धुंध क्या है? इसी धुंध को गीता में भगवान कहते हैं अनश्चात्मिका बुद्धि, अनडिसीजनल माइंड। ये करूं के ये करूं, ये करूं के वो करूं, वो करूं के ये करूं, जिसकी बुद्धि निरंतर बस इसी उहापोह में लगी रहती है, जो निर्णय नहीं कर पाता। निर्णय होए कहां से? विवेक तो है नहीं, विवेक मिले कहां से? सत्संग तो है ही नहीं, विवेक कहां से मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए हम पे प्रभु की कृपा हुई है जो हमको आपको सत्संग मिला है। जब सत्संग मिला है तो विवेक भी मिलेगा, विवेक मिला है तो समाधान भी मिलेगा, समाधान मिलेगा तो भगवान भी मिलेंगे। ये शुरुआत है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होइ न दृढ़ अनुराग। हमारी ओर से दे, पर पत्नी धुंधली। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं जो संशयात्मिका बुद्धि वाला है उसका विनाश होता है। बुद्धि कैसी हो? बुद्धि निश्चयात्मिका हो, न तो सीजनल माइंड हो, माइंड डिसीजनल माइंड हो, निश्चयात्मिका बुद्धि हो। लेकिन पंडित जी की वो पत्नी, इतने जितने अवगुण सारे उसमें थे, अब बहुत दुखी रहते पंडित जी, मेरे पुत्र नहीं। एक दिन तो इतने निराश हुए कि जंगल में मरने की इच्छा से चले गए, आत्महत्या करूंगा, पुत्र नहीं तो। मरने की सोच ही रहे थे तभी सामने से कोई महात्मा आ गए, संतों का अनुमान कोई और नहीं, आए भगवान ही आए। जब देखा एक मनुष्य, उसमें भी ब्राह्मण, प्राण त्याग देगा, बचाना चाहिए। बंधुओं, कृपा एक बार सबका दरवाजा खटखटाती है जीवन में। बुद्धिमान वो होता है जो दरवाजा खोल दे। अनेक लोग चूक जाते हैं, दुर्भाग्य तो जिंदगी भर दरवाजा खटखटाता है, कृपा एक ही बार खटखटाती है। बुद्धिमान वो तुरंत दरवाजा खोल के कृपा को स्वीकार कर ले। चले गए वन में, एक साधु आए, देखा ब्राह्मण रो रहा है, पूछा कदम रोदसी विप्र, अरे ब्राह्मण क्यों रोते हो? इन्होंने अपनी बात बताई, मेरे घर पुत्र नहीं इसलिए रो रहा हूं। संत ने कहा बहुत से इसलिए रो रहे हैं कि हमारे घर ऐसा पुत्र पैदा हो गया है। अरे पुत्र के लिए क्यों रो रहे, भगवान के लिए रो। बोले महाराज पुत्र का क्या करोगे? बोले पुत्र से वंश चलता है, पुत्र मरने के बाद तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, अंतिम क्रिया करता है। संत जी ने कहा किसने कह दिया पुत्र उद्धार करता है? राजा सगर के 60,000 बेटे हो गए ऐसे कि कपिल जी का अपराध कर दिया, चार चार पीढ़ी लग गई उद्धार करने में, सगर जी को क्या लाभ हुआ बेटों से? और
भीष्म पितामह के तो कोई बेटा नहीं था, सबरी जी के तो कोई बेटा नहीं था, उनके उद्धार भय कि नहीं भय? तो पंडित जी, बेटा बेटी से कल्याण नहीं होए, कल्याण भजन करने से होए, रोना धोना छोड़ो, मनुष्य शरीर मिला, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, कल्याण करो, अपना भजन करो। पर वो कहां माने? उन्होंने कहा, महाराज मरने के बाद तर्पण कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा? संत जी ने कहा, भैया हमारी जानो तो जीते जी पिंडदान कर जाओ। पंडित जी ने कहा, जीते जी होता होगा पिंडदान कहीं? बोले होता है। कैसे होता है? बोले पंडित जी, ये शरीर ही पिंड है, इस शरीर रूपी पिंड को भगवत सेवा में लगा देना, भगवत नाम में लगा देना, गौ सेवा में लगा देना, राष्ट्र की सेवा में लगा देना, दीन दुखियों की सेवा में लगा देना, यही शरीर का पिंड दान है। पता क्या मरने के बाद बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन पंडित जी नहीं माने। बोले महाराज, प्रवचन नहीं सुनना मुझे, पुत्रम देही बलादपि, बल पूर्वक मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो आपके सामने फांसी लगाकर मरूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। संत जी ने कहा, हे भगवान हाथ दिखाओ। हाथ देखे तो चौंक गए, सप्त जन्मावधि पुत्र नहीं बचा, नहीं बचा। बोले पंडित जी, इस जन्म की क्या कहो, तुम्हारे तो सात जन्म पुत्र नहीं, संतान नहीं, तब तो मरूंगा। तब उस समय साधु ने कहा, नहीं ऐसा न करो। तब उस समय झोले से एक फल निकाल के दिया, पंडित जी को कहा, ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, संत का जन्म होगा। अब यहां जिज्ञासा होती है, पहले तो संत जी कह रहे थे कि बच्चा नहीं सात जन्म, अब फल दे दिए कि बालक हो जाएगा, तो गुरु जी झोले में क्या बालक लिए डोल रहे हैं कि बांट रहे हैं, तुम्हारे यहां बालक हो जाएगा? तो संतों का कहना है, जो बात दवा से हो न सके, वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सतगुरु मिलता है तो बात खुदा से होती है। संतों के पास तो विशेष बल होता है, भगवान के पास कुछ कोटे के जीव होते हैं, संत लोग प्रार्थना कर देते हैं तो भगवान उस कोटे के जीव में से किसी को भेज देते हैं, जाओ जाके जगत का कल्याण करो, इतने लोग का उद्धार करो, लेके हमारे पास आओ। तो वही कोटे का जीव एक दे दिया और कहा, पत्नी को खिला देना। पंडित जी हर्षित हुए, घर पर पहुंचे, पर पंडित जी से एक भूल हो गई। गुरु जी ने कहा था, पत्नी को फल खिला देना, पंडित जी ने दिया खिलाया नहीं, कहा खा लेना। पर वो क्यों खाने लगी? वो तो धुंधली थी, वो क्यों खाती? हम सबको सत्संग में फल मिलता है, लेकिन हमारी बुद्धि धुंधली उसको खाती नहीं। हम सोचते हैं सब सुनने तक की बातें हैं, बस जीवन में अपनाने लायक कोई बात नहीं है, तो खाती नहीं, इसलिए कल्याण नहीं होता। पंडित जी ने कहा खा लेना, इसने कहा ठीक है। पंडित जी चले गए, अब ये फल लिए बैठी है, सोच रही क्या करूं। लगता पंडित जी का तो माथा खराब हो गया है, कभी कोई उपाय करते, कभी कोई उपाय करते। अरे फल खाने से बच्चे होते होंगे, तब तो दुनिया में कोई बांझ ही नहीं रह जाएगी। फिर मन में सोचती है, चलो मैंने फल खा लिया, बालक का जन्म तो पीछे होगा, पहले गर्भवती होंगी। सुना गर्भवती स्त्री को तो बहुत कष्ट होता है, कौन सहेगा उन कष्टों को? फिर इसके दुर्विचार, ये भागवत जी में लिखे हैं, क्या कहती है कि कहीं मैं गर्भवती हो गई तब तो मैं किसी से लड़ झगड़ भी नहीं पाऊंगी, और मैं तो जब तक गली मोहल्ले में न लड़ झगड़ लूं, मेरा तो भोजन ही हजम नहीं होता। फिर सोचे चलो लाई झगड़ा भी देखा जाए, कहीं गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग खड़े होंगे, मुझसे तो भागा भी नहीं जाएगा। ये विपरीत बुद्धि की सोच है, ये सब वो सकारात्मक नहीं सोच पा रही, नकारात्मक ही सोच रही है, आग लग गई तो क्या होगा। फिर कहती है चलो गर्भ भी धारण कर लिया, बच्चा जन्म देने में बड़ी तकलीफ होती है, उस दुख को कौन सहेगा, चलो उसको भी देखा जाए। तो मैं तो पड़ जाऊंगी पलंग पे, और पंडित जी अपनी बहन को बुला लेंगे मेरी सेवा के लिए, और वो मेरी सेवा तो कम करेगी, मेरे घर का सामान समेट के अपने घर पर ज्यादा ले जाएगी। तो सब बातों का सार ये कि फल न खाऊं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। वेद व्याज का इतने कुतर्क निर्णय में ये पहुंची कि फल नहीं खाऊंगा, ये विपरीत बुद्धि वाले की बात है।
अब क्या कहती है, कहती है वंद्या व विधवा नारी सुखनी चेती में मती। मेरी समझ में दुनिया में दो ही औरतें सुखी हैं, एक तो जो विधवा है, दूसरी जो वंद्या है। ऐसा कहती है। इतनी देर में इसकी बहन आ गई। और दुष्ट लोगों के सलाहकार भी दुष्ट होते हैं। यदि हम स्वयं ठीक हैं तो हमारा अच्छे लोगों से उठ बैठ होगी, गलत लोग से उठ बैठ होती है, नकारात्मक विचार वालों से तो जरूर हम उनके जैसे हैं या उनके जैसे होने की तैयारी में हैं, नहीं पटेगी नहीं। इसकी बहन आ गई, वो इसकी भी गुरु थी, कह क्यों परेशान, फल दिखाया, देखो पंडित जी अब ये फल ले आए। और कहते हैं खाओ तो बालक का जन्म हो जाएगा, बहन मेरी मदद करो। बहन ने कहा मदद तो कर दूंगी, कैसे, कि तेरे घर खाने को बहुत खाने वाला नहीं, मेरे खाने वाले बहुत खाने को नहीं, तो फिर मेरे अनेक बच्चे, फिर बच्चा होने की तैयारी, अब के बच्चा होगा, तेरे घर अपने पति के हाथ भिजवा दूंगी, तुम बदले में खूब सारा धन दे देना। बात पक्की हो गई। धुंधली ने कहा फल को कहाँ फेंकू, बोले फेंक मत, परीक्षण करो। महात्मा लोग सच बोलते कि झूठ बोलते, कैसे, तुम्हारे आंगन में जो गाय बंधी है वो भी कभी नहीं ब्याती, तो ये फल गाय को खिला दो, परीक्षण भी हो जाएगा। फल गैया को खिला दिया, पंडित जी को झूठे ही कह दिया मैं गर्भवती हो गई। पंडित जी भोले भाले, थोड़े दिन पश्चात बहन के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, अपने पति के हाथ बच्चा भिजवा दिया, धुंधली ने धन दे दिया, धुंधली ने झूठे हल्ला कर दिया, मेरे बालक का जन्म हो गया। पंडित जी तो प्रसन्न हो गए। घर में बालक के जन्म होने के कुछ समय पश्चात उस गैया ने भी बालक को जन्म दिया। उस गैया ने तो संत का फल खाया था, इसकी कोख से तो संत पैदा हुए। कैसा शरीर, शरीर तो मनुष्य जैसा और कान गैया के जैसे, इसलिए पंडित जी ने नाम रखा गौकर्ण। कहिए श्री गौकर्ण जी महाराज की जय हो। अब अपने बेटे का, धुंधली के बेटे का नामकरण का भी सम, उनको तो पता नहीं किसी और का बेटा है। 11 दिन के हुए तो सुंदर यज्ञ आदि कराए। माँ ने पूछा धुंधली ने क्या नाम रखोगे, बोले अपने बेटे का नाम रखूंगा राघव दास। बोले अरे ये भी कोई नाम है, तो फिर माधव दास, ये भी कोई बढ़िया नहीं, तो कृष्ण दास। बोले जाने कहां पुराने जमाने के नाम बता रहे हो। पंडित जी ने कहा तो तू बता नए जमाने का। बोले मैं धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। पंडित जी ने कहा कौन मुंह लगे इसका, कोई बात नहीं, नाम तो रखना है, धुंधकारी नाम धर दिया। और वेद अभ्यास जी कहते हैं दोनों बालक बड़े हो रहे हैं, पूत के पांव पालने में दिखने लग गए। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धित। गौकर्ण जी तो महापंडित ज्ञानी हुए और धुंधकारी खल नहीं महाखल, स्नान शौच क्रियाहीनो, बस छठी के दिन नहाया, फिर तो नहाया ही नहीं, स्नान शौच क्रियाहीनो और दुर्भक्षी क्रोध वर्धित। होली दिवाली को नवा दे तो नवा दे, मांस खाए, मदिरा पिए, जुआ खेले, वैश्याओं के पास जाए, बचपन में ही छोटे छोटे बालकों को धक्का दे आए, कुएं में जहर दे आए, लोग लड़ने को आए, धुंधली सबको भगा दे। धीरे धीरे बड़ा हो गया, जुआ खेलने लग गया, माँ चुप ही चुप पैसा देने लग गई निकाल निकाल के। एक दिन तो पंडित जी ने तिजोरी संभाली, तो तिजोरी में तो बहुत बड़ा फर्क, पंडित जी को तो धक्क से रह गए। अपनी पत्नी से पूछा अरे सब पैसे कहाँ गए। धुंधली ने कहा एक ही तो बेटा है, अरे जाता है खेलने, शौक करने में दे देती हूँ। अरे ऐसा कौन सा शौक कर रहा है कि इतना पैसा खर्च हो गया। मित्रों से पता किया तो पता चला जुआ खेलता है, वैश्याओं के पास जाता है। पंडित जी तो परेशान हो गए। 15 साल का हो गया था धुंधकारी, जैसे ही आता है कान पकड़कर मारने को हाथ उठाया, पर वो तो राक्षस जैसा हो गया था। पंडित जी तो कहां शासन कर पाते, उसने अपने पिता का हाथ पकड़ के अपने पिता के गाल पर ही तमाचा दे। अब तो वो ब्राह्मण नीचे गिर गए और धन लेकर चला गया और कहा मैं ऐसे ही करूंगा। धुंधली
कहने लगी, क्यों जवान बच्चों के मुंह लगते हो? अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, अब तो बहुत परेशान हो गए। देखिए संत की बात से बात समझ नहीं आई, लात लगे पे समझ आई। अब आंगन में सिर पे हाथ पकड़ के रो रहे हैं और कह रहे, किम करोमी को गच्छा, मैं क्या करूं और कहां मरूं। धुंधली तो भीतर चली गई, सिर पकड़ के आंगन में रो रहे। 60 साल की उम्र हो गई, चूंकि बहुत देर में बालक का जन्म हुआ। उसी समय गौकर्ण जी भी, चूंकि पिता कहते हैं आत्मदेव को, रोने की आवाज सुनी तो आए पास में और कहा, पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तब रोने लगे, कहने लगे, पुत्र हमने जीवन में रोने का ही काम किया जो रो रहे हैं। अरे उस महात्मा ने बहुत समझाया था कि बेटा बेटी कल्याण नहीं करते, कल्याण तो भजन करता है। उन्होंने बहुत समझाया पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई। इसी बेटे के लिए इतने दरवाजे मंदिरों में माथा रगड़ता था, इतने दान पुण्य करता था, मन्नतें मांगता था कि औलाद हमें मारेगी बड़ा हो करके। हमारा तो जीवन नष्ट हो गया, अब हम बुढ़ापे में कहां जाके मरे, कौन हमारा सहारा? मैंने इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर लिया गौकर्ण, अब मुझे जहर ला करके दे दो। संतान हमको मार रही है, तिरस्कार कर रही है, अब हम कहां जाएं? तब गौकर्ण ने कहा, पिताजी आप दुखी मत होइए, आपके दुख का कारण धुंधकारी नहीं है। आत्मदेव ने कहा, नहीं बेटा, धुंधकारी ही दुख का कारण है, हमको गाली दे रहा है, मार रहा है, तिरस्कार कर रहा है, गलत काम कर रहा है, हमारी नहीं सुन रहा। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आपके दुख का कारण धुंधकारी नहीं है तो कौन है? बोले, आपके दुख का कारण धुंधकारी में जो आपका मोह है वो दुख का कारण। तो अब कैसे बच सकता हूं? उस समय गौकर्ण जी ने बहुत सुंदर अपने पिता को उपदेश दिया है, इसको गौकर्ण गीता कहते हैं भागवत जी में, दो श्लोक में। गौकर्ण जी कहते हैं, देहस्ति मास रुधिरे, देहस्ति मास रुधिरे भीमतिं तजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षण भंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ सततम धर्मं भजस्व सततम तज लोक धर्मान सेवस्स साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, गुरु पिताजी उपदेश मांग रहे हैं गौकर्ण जी से, गौकर्ण अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं। हे पिताजी, देहस्ति मासरे भीमतिम तजत्वम, पहला काम तो करिए, इस देह हाड़ मास के शरीर को मैं और मेरा मानना छोड़िए। आप देह नहीं हो, आत्मा हो। देहस्ति मासरे भीमतिम तजत्वम। दूसरा काम, जाया सुतादिशु सदा ममता विमुंच, पत्नी पुत्र घर में से अपनी ममता को निकालिए। पश्चानिशम जगदिदम क्षण भंगु निष्ठम, इस संसार को नाशवान होते देखिए। ये संसार प्रतिक्षण सरक रहा है, संसार माने संसरती थी संसार, जो सरके सो संसार, निरंतर जो परिवर्तनशील है। कल कुछ था, परसों कुछ था, आगे कुछ होगा, उसके आगे, जो निरंतर परिवर्तनशील है, नाशवान है। हम सब काल की ओर बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन हमारी आयु में से एक दिन कम हो रहा है, माने हम मौत की तरफ प्रतिदिन एक कदम बढ़ा देते हैं। पश्चानिशम जगदिदम क्षण भंगु निष्ठम, इस संसार को नाशवान देख है, परिवर्तनशील देख है, और करे क्या? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य राग का रसिक होकर के श्याम सुंदर के चरणों में मन लगाए। कैसे मन लगाऊं? हे पिताजी धर्मम भजस्व सततम, सबसे बड़ा धर्म क्या है? श्याम सुंदर की तेल धारावत अखंड स्मृति ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्मम भजस्व सततम,
तज लोक धर्मान, बहुत प्रपंचों से लोग धर्मों से अपने आप को बचावे और क्या करे, सेवस साधु पुरुषान, किसी साधु महापुरुष के चरणों में समर्पण कर दे, पर किस लिए, संसार को पाने के लिए नहीं, जही काम तृष्णाम, संसार की कामना से मुक्त होकर के केवल भगवत इच्छा प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों का आश्रय करे, सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम। एक और कार्य करे, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरे लोगों के दोष और गुण चिंतन करने के बीमारी माथे से निकाल दे, और सेवा कथा रसमो नितराम विवत्तम, भगवान की अष्टायाम सेवा और नाम और सत्संग, इसमें अपने चित्त को लगावे तो शीघ्र कल्याण। उपदेश दिया और ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया कि लग गया आत्मदेव जी को, और उसी समय आत्मदेव तो चल पड़े, कहां जाऊं, कहीं मत जाइएगा, सीधा वृंदावन की डगर पकड़िएगा। वृंदावन भेज दिया अपने पिता को, आत्मदेव तो यमुना तट पर आकर विराजमान हो गए, शालिग्राम जी की सेवा करते हैं, 100,000 नाम करते हैं, और नित्यम दशमस्य पाठात, प्रतिदिन भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ करते हैं। आत्मदेव जी ने वही वृंदावन में श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद का भगवान नाम का आश्रय लेते भये और श्यामा श्याम के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। पिताजी तो चले गए, गौकर्ण जी ने कहा तुम भी अब गाली खाने को कब तक पड़े रहोगे यहाँ, सो वो भी एक दिन निकल गए। अब तो आजाद हो गया और धुंधकारी, एक दिन तो माँ के पास आया, मुझे पैसा दो, माँ के पास पैसे नहीं तो अपनी माँ को ही मारा, अंत में तो कहा मैं तुझे जान से मार दूंगा तो मुझे पैसा दे, पैसा खत्म हो गया, धुंधली अपनी जान बचाने के लिए कुआं में कूद के मर गई, क्या बनी सो पता नहीं, धुंधकारी का उद्धार हो गया ये तो लिखा है, पर धुंधली का हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं लिखा, सारे जीवन अपने पति को कष्ट दिया, सबको तकलीफ दी, क्या हुआ पता नहीं, वे भी समाप्त हो गई। अब तो धुंधकारी और आजाद हो गया, वैश्याओं को घर में ही ले आया, कौन रोज रोज जाए, 5 वैश्या घर में रख ली, पैसा था नहीं, चोरी करने लग गया। एक दिन राजा के यहाँ डकैती डाली, भागते भागते घर में आया, सिपाही पीछे पीछे आ गए, पकड़ नहीं पाए, वैश्याओं को धन संभलवा दिया, खूब दारू पी पड़ के सो गया। वैश्या सोचने लगी अरे ये तो चोरी करने लग गया, राजा के डकैती, कहीं धर पकड़ हुई ये भी पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़ी जाएंगी, क्या करा जाए। बोले अब ये हमारे काम का नहीं रहा, इसको मार देना ठीक है, नशे में धुत था। वैश्याओं ने उसी चारपाई से उसको बांध दिया और उसके गले में फंदा देके उसका गला घोटने लगी। वो चीखा चिल्लाया छोड़ दो क्या कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को त्याग दिया, घर परिवार को त्याग दिया, तुम मुझे क्यों मार रही हो। इन्होंने काम ऐसी होती हैं, हम किसी की नहीं होती, धन की होती हैं, अब हमारी जरूरत पूरी नहीं, तुझे मरना होगा। चीखने चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, भागवत जी में वर्णन है, तब इनको लगा कोई इसके आवाज सुन के आ ना जाए, तब चूल्हे में से जलते अंगारे लाई इसके मुंह में भर दिए, तप्त तो अंगार समूहश्च तन मुखे ही विचुक्षुपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता, अंगारे भर दिए, अंत में तड़प के प्राणांत हो गया। वैश्या तो धन लेकर भाग गई, ये मरने के बाद प्रेत बन गया। इधर गौकर्ण जी तो घर को छोड़कर तीर्थ यात्रा पे निकले, चलते चलते गया जी पहुंचे, गांव के कुछ लोग मिले, पता चला माँ भी मर गई, वो धुंधली और सुना है महाराज आपका भाई तो मर के प्रेत बन गया है। धुंधकारी बड़ा दुख हुआ, रे उस घर की रोटी खाई है, बहुत बुरा हुआ, गया जी आए चलो तर्पण कर चले, श्राद्ध कर चले, पिंड दान कर चले, आत्मदेव जी के नाम, धुंधली के नाम भी कर दिया और धुंधकारी के नाम भी कर दिया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। इसका अर्थ ये नहीं गया जी की महिमा नहीं है, गया जी की महिमा है, कारण क्या बना, कारण ये बना गौकर्ण जी आत्मदेव की गोत्र बोल रहे थे, उनको तो यही पता था आत्मदेव जी के संतान है, पर वो आत्मदेव जी की नहीं, वो तो किसी की पाप की संतान था, तो तर्पण श्राद्ध ये तो गोत्र से लगते हैं, गोत्री गलत बोली जा रही थी, तो तर्पण पहुंचे कैसे, श्राद्ध लगे कैसे। ऐसा नहीं कि गया जी की महिमा नहीं, गया जी की महिमा है, पर वो अनुष्ठानी जब सफल नहीं हुआ।
श्राद्ध करके लौटे, चलते चलते गांव पहुंचे। रात का अंधेरा, सोचे घर में सो जाए, सवेरे गांव वालों से मिलेंगे, राजी खुशी लेंगे। रात को सोते थे तभी धुंधकारी, कभी भेड़ का, कभी अग्नि का, कभी बकरी का, कभी हाथी का रूप बना करके गौकर्ण जी के सामने आके उनको डराए। गौकर्ण जी जान नहीं पाए, हाथ में जल का छींटा लेके उस प्रेत आत्मा की ओर फेंका, पूछा तुम कौन हो। तभी रो करके धुंधकारी बोल उठा, पर आज बहुत समझदारी की बात कर रहा है। आज ये नहीं कह रहा धुंधली का बेटा, आज ये नहीं कह रहा वेश्याओं का पति, आज ये नहीं कह रहा जुआरी शराबी, आज क्या कह रहा है? गौकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो। धुंधकारी कहता है अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई। अब उसको पता है गोकर्ण का भाई बने से कल्याण होगा, अब धुंधली का बेटा बने से कल्याण नहीं होगा। कह अहम भ्राता तदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मतम नाशितम मया, मैं तुम्हारा अभागा भाई धुंधकारी, अपने ही दोषों के कारण ब्रह्मणत्व को मनुष्यत्व को नष्ट कर लिया है, मेरे भैया मेरा उद्धार करो। अरे मैंने तो तुम्हारा गया जी में श्राद्ध कर दिया, एक बार नहीं एक हजार बार मुझ जैसे पापी का श्राद्ध करोगे कुछ न होगा, जीवन में बहुत पाप किया है मैंने, अब तुम किस योनि में हो, मैं प्रेत योनि में हूँ, इतने बरस से मैंने रोटी नहीं खाई, इतने बरस से जल नहीं पिया, प्रेतात्माएं मुझे सताती हैं, डराती हैं, जलाती हैं, मारती हैं, भैया मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जब परंपरा में कोई वैष्णव संत पैदा हो जाता है, सारी आत्माएं उससे अपने उद्धार की प्रार्थना करती हैं, भैया मेरा उद्धार करो। रोने लगा धुंधकारी। गौकर्ण जी ने कहा शांति करो, मैं गांव वालों से सलाह करूंगा, मुझे नहीं पता गया जी से भी कल्याण ना हो तो किससे होगा। अगले दिन उठे, गांव के लोगों को बुलाया, सारी बात बताई, मुझे रात को धुंधकारी दिखता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, मैं क्या करूं। गांव वालों ने कहा हमें भी नहीं पता, किससे पूछें। किसी ने कहा सूर्य भगवान से पूछो, उनसे पुराना कोई नहीं, उनसे ज्ञानवान कोई नहीं। धन्य संत गौकर्ण सूर्य भगवान की तपस्या में बैठ गए। आखिर में सूर्य प्रकट हुए, हाथ जोड़ के पूछा बताइए अपने उस भाई के कल्याण के लिए क्या करूं। सूर्य देव ने कहा कुछ मत करो, श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम करो, हे गौकर्ण केवल भागवत जी का सप्ताह करो, एक सप्ताह से धुंधकारी का उद्धार होगा जब तुम जैसा महापुरुष कथा सुना। आनंद हो गया, गांव वालों ने तैयारी करी, सुंदर शमियाना लगे, तंबू लगे, मंच बने, सुंदर शोभा यात्रा निकली, गौकर्ण जी सिंहासन पर बैठे, भागवत जी पधराई, आज गौकर्ण कथा सुना रहे। धुंधकारी आ गया हाथ जोड़ के, भैया मैं कहां बैठूं। गौकर्ण जी ने सात गांठ का बांस गाड़ा है, आज उस सात गांठ के बांस में धुंधकारी बैठ गए हैं। गौकर्ण जी कथा सुना रहे हैं, धुंधकारी एकाग्र चित्त होके कथा सुन रहा है। बंधुओं पहले दिन कथा हुई, बांस की पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवें दिन सातवीं गांठ फटी, बांस के दो टुकड़े हुए। आज बांस के बीच में से धुंधकारी प्रेत शरीर में नहीं, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया, देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, गौकर्ण जी महाराज की जय हो, भक्त वत्सल भगवान जय हो। प्रेत देह छूट गई, बांस के भीतर से चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया, कभी भागवत जी को प्रणाम करता है, कभी गौकर्ण जी को प्रणाम करता है, कभी भक्तों को प्रणाम करता है, रो रो के कहता है धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, मैं जान गया भागवत जी से बढ़ के कल्याण का कोई साधन नहीं। मेरे गौकर्ण भैया की जय होए, भागवत जी की जय होए, गौ माता की जय होए, भक्त वैष्णवों की जय होए। जय जयकार करते भय इतनी देर में बैकुंठ से विमान आया, आज धुंधकारी पार्षद होके भगवत धाम को जा रहा है। सब गांव वालों ने इस दृश्य को देखा, गौकर्ण जी के पास आए, चरणों में प्रणाम किया। गौकर्ण जी एक बात बताइए, कथा हम सबने सुनी, विमान केवल
धंधकारी के लिए क्यों? गौकर्ण जी ने कहा, अभी गए नहीं पार्षदिन से पूछो। पार्षदों से कहा, महाराज भगवान के यहां विमानों की कमी है क्या? कथा सबने सुनी, विमान केवल धंधकारी के लिए। पार्षदों ने कहा, भैया ये कथा की कमी नहीं, ये तुम्हारी कमी है। कैसे? बोले, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता, श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। श्रवण में भेद होने से फल में भेद हुआ है। कैसे? बोले, जैसे धुंधकारी ने सुनी ऐसे सबने नहीं सुनी। आप सबने सुनी तो मनन नहीं किया, और धुंधकारी तो रात दिन उस कथा का मनन ही करता रहा। जितनी जिज्ञासा से, व्याकुलता से, उद्धार की चाह से उसने सुनी, आप नहीं सुन पाए, इसलिए कल्याण में देर हो गई। सब गांव वाले गोकर्ण जी के चरणों के पास आ गए। गोकर्ण जी, एक बार और कथा सुना दी, हम भी तन्मय होके कथा सुनेंगे। प्रार्थना करी तो न वक्ता कहीं से आने थे न श्रोता। एक बार फिर शोभा यात्रा निकल गई, एक बार फिर जय जयकार हो गई, फिर भागवत पधराई गई, फिर गोकर्ण जी के पूजन हुए। अब के जो गोकर्ण जी ने भागवत जी सुनाई, ग्रंथ में लिखा मनुष्य तो मनुष्य, गांव के गधा कुत्ता छिपकली, इन सब ने भी कथा सुनी। छिपकली भी दीवाल पर स्थिर हो जाती थी जब गोकर्ण कथा कहते थे। आज गैया, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली सब कथा सुन रहे हैं। चमत्कार हुआ बंधुओं, जब 7 दिन कथा पूरी हुई, सारा आकाश विमानों से भर गया। जितने श्रोता थे सबके चतुर्भुज रूप हो गए, जितने पशु पक्षी नगर गांव में थे सबके चतुर्भुज रूप। आज सब विमानों में बैठ करके वैकुंठ के लिए जा रहे हैं। गोकर्ण जी देख देख के विवल हो रहे हैं। ऐसी भागवत जी की महिमा, ऐसी कृष्ण कथा की महिमा। तब मन में एक विचार आया, सबके लिए विमान पे व्यास जी तो बैठे ही रह गए गद्दी पे, हमारे लिए विमान नहीं। तब पार्षदों को बुलाया, कहा, भैया सुनने वालों का ही कल्याण होता है, कहने वालों का नहीं होता। और सबके लिए विमान हमारे लिए भी आ जाता, हमारे लिए क्यों नहीं आया? अब पार्षदों ने कहा, महाराज इसकी तो जवाब हम नहीं दे सकते, हम भी नहीं दे सकते इसका तो जवाब, ये तो नारायण ही देंगे, तो पूछिए। पार्षदों ने भगवान नारायण से पूछा, उत्तर लेके आए। गोकर्ण जी ने कहा, बताइए क्या, कहने वाले का कल्याण नहीं होता, सुनने वाले का होता है, सुनने वाले के लिए विमान आए, हमारे लिए नहीं। पार्षदों ने कहा, भगवान कह रहे हैं कि गोकर्ण जी के लिए विमान नहीं भेजूंगा तो फिर क्या होगा? नारायण कह रहे हैं, गौकर्ण के लिए तो गरुण पे चढ़ के मैं कूदाऊंगा, गौकर्ण के लिए तो गरुण पे विराजमान होकर मैं कूदाऊंगा। और उसमें गौकर्ण जी प्रार्थना करने लगे, और जैसे तुकाराम जी के लिए भगवान गरुण पर चढ़कर आए, उसी समय आकाश में सबने प्रत्यक्ष देखा, हरि शरणम की ध्वनि हो रही है। भगवान नारायण गरुण पर विराजमान होकर के उतर गए कथा भंडार में। और भागवत कहती है, जैसे माँ अपने बच्चे को उठाती है, ऐसे व्यास गद्दी से गोकर्ण को गोदी में भगवान ने उठाया, और गोद में उठाकर गरुण जी पे लेकर के आज भगवत धाम को जा रहे। देवता आकाश से फूल बरसा रहे, कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। आनंद हो गया, आ सब भगवत धाम जा रहे। भगवान गोद में गरुण जी पे लेकर के गोकर्ण जी को भगवत धाम गए। जय जयकार हो गई। आज इस वृतांत को सुनकर नारद जी नृत्य करने लगे। बहुत अद्भुत रूप में सनकादिक ने इन सब प्रसंगों को सुनाया है, और अंत में यही निष्कर्ष दिया है, जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब बानक बनता है। श्रोता के कैसे लक्षण हो, फिर वक्ता के कैसे लक्षण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योतिनि इस प्रहार। वक्ता का सबसे बड़ा लक्षण है कि वो वैष्णव हो। अवैष्णव के मुख से कथा सुनने पर परिवर्तन नहीं होता, वैष्णव के मुख से सुनने पर होता है। वैष्णव हो, और दूसरा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, और शास्त्र के परम जानकार हो।
ऐसा नहीं कि कथा तो भागवत जी का नाम और हो कुछ और ही रहा है, सारा समय चुटकुले में और हंसाने में और ही काम में निकल गया, भागवत हो ही नहीं पाई। ऐसा न हो जाए, वो शास्त्र के जानकार हों, उदाहरण भी देना पड़े तो रामायण से, भक्तमाल से, महाभारत से, इनसे उदाहरण दे, न कि कुछ और। और उसके साथ में दृष्टांत कुशल, समझाने में प्रवीण हो, इतनी ऊंची कथा भी न कह दें कि सिर के ऊपर से, माने कथा को हृदय में बैठाने की सामर्थ्य रखते हो, दृष्टांत कुशल हो, उसके साथ धीरो धीरजवान हो। और सबसे बड़ा गुण वक्ता कार्योतिने स्प्रहा, वक्ता स्प्रहा से मुक्त हो, माने कथा कहना उसका व्यवसाय न हो, कथा उसकी जीविका ना हो, कथा उसका जीवन हो। कथा जिसका जीवन होगा वही जीवन धन से मिला पाएगा। ऐसे वक्ता के श्रोता के गुण कहे, फिर कथा सुनने वाला क्या संकल्प ले, ये वर्णन किया। जो कथा श्रवण करे, जो यजमान सो तो यजमान, जो सुन रहे सब यजमान, हाँ सब यजमान, जो श्रवण करे नियम पूर्वक श्रवण करे, पूरी कथा श्रवण करे, वैराग्य का ब्रह्मचर्य का पालन करे, भगवान नाम जप करता रहे और प्रार्थना करे। दो श्लोक में सूत जी कहते हैं भगवान से क्या कहे कि मनोरथो मदीयो यम सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासो हम तव केशवा, संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह ग्रहीतांग माम उद्धर भवार्णवात्। ऐसी प्रार्थना करे, मनोरथो मदीयोयम सफल सर्वथा त्वया, हे नंद नंदन आप मेरा मनोरथ सफल कीजिए, मैं आपकी शरण हूँ, आपका दास हूँ, निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो, ये सब कार्य निर्विघ्न रूप में पूरा हो जाए और मेरा मनोरथ पूरा हो, हे नंद नंदन मैं तुम्हारा दास हूँ, आप ही करने वाले हैं, आप इस कार्य को पूर्ण करें। फिर प्रार्थना करें, संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे, हे नंद नंदन मैं इस